हेलो, वेलकम टू पेबल्स। मैं मनमीत आपका स्वागत करती हूँ मॉम्स डायरी में। तो आज जो हम मॉम्स डायरी का चैप्टर खोलने जा रहे हैं, वो खोलने जा रहे हैं हमारे बच्चों के डिसिप्लिन से रिलेटेड। जी हाँ, डिसिप्लिन। बहुत बार हम लोग ये कहते हैं, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? तुम्हें तो बिल्कुल मैनर्स ही नहीं रहे हैं कहीं उठने बैठने के। बहुत बार मम्मी इस बच्चों पे गुस्सा होती हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चों को डांटते हैं, और कभी कभी तो हम लोग हाथ भी उठा देते हैं इस वजह से कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही है। लेकिन ये क्यों होता है, क्या होता है? हम लोग कहते हैं, हमने बच्चे को स्कूल में डाला, ठीक है, बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमने बच्चों को और एक्टिविटीज़ में डाला, वो वहाँ पे सीख रहा है, दोस्तों से ये चीज़ सीख रहा है, वो कर रहा है, ये ऐसी भाषा बोलता है, ये सीख रहा है, इसलिए बोल रहा है। कोई भी स्कूल कुछ गलत चीज़ नहीं सिखाता, कोई भी दोस्त कुछ गलत चीज़ नहीं सिखाता। जो बच्चे अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, जो बच्चे अपने घर में देख रहे हैं, वही सब बच्चे अपने स्वभाव में लाते हैं, अपने नेचर में लाते हैं, और वही उन्हें डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन फॉर्म में किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे मैं थोड़े छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, थोड़े छोटे भी नहीं, इतने कि जिनमें थोड़ी अपनी समझ है, ज़्यादा बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बट बड़े बच्चे भी काफ़ी हद तक इन बातों से रिलेट करेंगे जो मैं अभी आपके साथ करने वाली हूँ। मैं ये जो भी बातें आपके साथ कर रही हूँ, ये कोई मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पे, या मैंने कोई कोर्स नहीं किया है इस चीज़ का, या कुछ ऐसा नहीं है। ये जो भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। मैं भी एक मदर हूँ, और जो मैंने फील किया बच्चे के साथ डील करते हुए, और जो मैंने बातचीत की और मदर्स के साथ, और जब आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, और ये चीज़ें जब हमने अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट की, तो वही रिजल्ट्स हम आपके आगे मैं आज लेके आई हूँ। तो ये कोई भी एक टीचिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने भी कोई स्टडी नहीं कर रखा है या कुछ ऐसा नहीं है। बस जो लाइफ से सीखा है, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लाइफ में डेली बच्चे जो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, उससे जो सीखते हैं, वही चीज़ें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बार हम लोग बच्चों को ब्लेम करते हैं उनकी गलतियों के लिए, पर ऐसा नहीं होता। काफ़ी हद तक हम लोग खुद ज़िम्मेदार होते हैं, बींग अ पेरेंट। यस, ना तो टीचर ज़िम्मेदार होती है, ना उनकी दोस्ती यारी, जो हमारे घर का माहौल है और बींग अ पेरेंट्स हम लोग हैं, वही हमारे बच्चे के डिसिप्लिन को बहुत असर करता है। और चीज़ें असर करती हैं मैं मानती हूँ, बट एक एज के बाद, जब बच्चा टीन एज क्रॉस कर चुका है या उसमें टीन एज में है तब, बट फिलहाल जो एकदम स्टार्टिंग एज में, जिसमें हम कहते हैं हम बच्चे का एक डिसिप्लिन लाइफ दे रहे हैं, उसमें हम लोग ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम उनसे डील कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, कभी भी बच्चे को डांटिए और धमकाइए मत। डू नॉट स्कोल्ड और फियर योर किड। यस, हम लोग, कैसा होता है, बच्चा कोई शैतानी करता है या कुछ तोड़ देता है घर में, तो हम लोग कहते हैं कि आज आने तो तुम्हारे पापा को उन्हें बताती हूँ, आज तो मैं तुम्हें पक्का पनिश करने वाली हूँ, आज तो तुम बाथरूम में लॉक हुए, आज तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। इससे क्या होता है, बच्चा, उसे लगता है ये हमेशा धमकी देते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है वो सोचता है कि मैं इसका प्रैक्टिकल करके देखूं, तो वो आगे से आपको कह देगा कर दो कर दो। तो तब आप क्या करेंगे जब वो आपको कहेगा कर दो? मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, ये सब चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो डील कर चुकी हूँ उसके बोल रही हूँ। तो मेरे साथ ये सेम चीज़ हुई है। मैं 2-3 दिन लगातार अपने बेटे को कहती रही कि यू विल गेट अ स्लैप अगर आपने अब ये किया, तो तीसरे दिन उसने मुझे कह दिया मार दो। तो उसमें क्या हुआ, उसका डर निकल गया। जो एक पेरेंट होने के कारण हमारा एक जो डर भी नहीं, एक रिस्पेक्ट, वो डर नहीं होता, वो रिस्पेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप ये तो छोड़ ही दीजिए धमकाना और डांटना, जो मैं अब छोड़ चुकी हूँ। और आप यकीन मानिए, वो बच्चा अगर उसे कुछ कहीं बाहर भी जाना है, तो चाहे घर का कोई भी मेंबर कह दे चला जाओ, लेकिन जब तक मैं हाँ नहीं करूँगी वो नहीं जाएगा। पर मैं उसे कोई डांटती धमकाती नहीं हूँ,
ये ऑटोमेटिकली एक आँख का डर रखिए तो वो सबसे बेस्ट है एज कम्पेयर की डराने धमकाने से। दूसरा पॉइंट ये है, डू गिव योर किड्स टाइम, अपने बच्चों को समय दीजिए अपना। मोस्टली कहा जाता है कि समय एक ऐसा तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं, सबसे कीमती तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं, तो क्यों ना ये तोहफा हम अपने बच्चों को ही दें सबसे पहले। बहुत बार ऐसा होता है कि अब आप लोग कहेंगे समय तो हम लोग निकालते हैं, हम लोग जल्दी आ जाते हैं ऑफिस से, हम लोग सारा काम छोड़ छाड़ के बच्चों के पास बैठते हैं, पर जब आप बच्चों के पास बैठे हैं या तो हम मोबाइल कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे लगे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं बच्चों के पास, अच्छा अच्छा ये करो ये करो, तो क्या हो गया, बच्चे को समय थोड़ी दिया हमने, हम उसके पास बैठे हैं, वो भी वही सीखेगा, वो भी यही करेगा कल को, कि जब आप उससे बात करना चाहेंगे वो भी अपने मोबाइल में लगा रहेगा। क्यों नहीं लगेगा, जब हम लोग वो हमसे बात करना चाह रहा था तब भी तो हमने यही काम किया ना, तो वो भी यही करेगा। जब वो आपसे कुछ कहने आया, हम लोग खाना पका रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम उसे कह देंगे अभी जाओ तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ, तो जब हम कहेंगे तो वो भी तो कहेगा अभी मैं बिजी हूँ अभी मैं नहीं आ सकता, तो वो अगर वो ये शब्द कह रहा है आपसे तो आप एक बार सोचिए क्या आप उसे टाइम दे रहे हैं, जब वो आपके पास अपनी बात सुनाने के लिए आ रहा है क्या आप सुन रहे हैं उसकी बात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एक बच्चों के लिए फ्रेज है ना, कि अगर आज हम उनकी छोटी बातें नहीं सुनेंगे तो वो कल आपसे बड़ी बात आकर नहीं कहेगा, तो इसलिए आपको बच्चों को समय देना पड़ेगा, उनका सुनना पड़ेगा और जिस लिहाजे में वो कह रहे हैं उस चीज़ को समझना भी होगा, एकदम आप गुस्सा नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ है डू नॉट फाइट, लड़िए मत आपस में लड़िए मत, इन सेंस हस्बैंड वाइफ आपस में मत लड़िए बच्चों के सामने, क्योंकि अगर आप लड़ते हैं तो क्या होता है, लड़ाई के बाद माँ गुस्से में होगी या पापा गुस्से में होंगे तो वो बच्चे के पास जाएंगे एंड देखो ये है वो है, आप बच्चों को बताएंगे या आप बच्चों को ज़्यादा लाड करने लगेंगे और दूसरा पार्टनर गुस्से में बोलेगा इधर आओ ये वो, तो क्या होता है बच्चा समझ जाता है कि लड़ाई हुई, अब बच्चा तो नहीं चूज़ कर पाएगा ना दोनों में, क्योंकि एक उसके माँ है एक उसके फादर है, तो वो तो दोनों से इक्वल प्यार करता है, लेकिन वो ये जब ये सब लड़ाई देखेगा तो वो कल को जाके खुद भी वैसी लड़ाई अपने दोस्तों के साथ करेगा और शायद फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ भी सेम करे, उसे लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, लड़ना तो नॉर्मल है, सब लड़ते रहते हैं, तो आपको घर में लगता है हमने तो सिर्फ बहस की है, लेकिन वो जो एक छोटी सी बहस होती है ना वो बच्चे के मन और माइंड में एक बहुत असर छोड़ जाती है जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है बच्चे के लिए। चौथा पॉइंट ये है, पोर्ट्रे इन अ गुड मैनर, हमेशा अपने आप को जब आप पोर्ट्रे कर रहे हैं बच्चे के सामने, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं एक अच्छे मैनर में कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग स्मोकिंग करते हैं, हम लोग शराब पीते हैं घर में और हम कहते हैं बच्चा आगे जाके हमसे चोरी करके ये सब करता है, तो हम कहते हैं यार ये कहाँ से सीख रहा है, कहाँ से क्या सीख रहा है, आप लोग ही कर रहे हैं। अब घर में पार्टी हुई कहीं जो भी बच्चा कर रहा है ना उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। अब हम लोग किस सेंस में जिम्मेदार हैं, डायरेक्टली वो काम नहीं करते, अब बच्चा शराब पी रहा है तो ऐसा नहीं कि हमने उसे बॉटल दे दी है लो भैया तुम पी लो। क्या होता है, सपोज करिए आपके घर में कोई पार्टी हुई, ठीक है, अब आपने ड्रिंक्स रखी स्मोकिंग रखी सब कुछ रखा, तो अब जब ये सब चीज़ें रखी और बच्चा भी जब वो देखेगा वो आपसे कहेगा कि मेरे को भी दीजिए, जब बच्चा आएगा तो हम लोग कहेंगे नहीं ये तो गलत चीज़ है ये आप नहीं ले सकते, तो वो कहेगा कि जो चीज़ मेरे लिए गलत है वो मम्मी पापा के लिए कैसे सही हो सकती है। ठीक है मैं मानती हूँ आजकल का ज़माना ऐसा है कि गेट टुगेदर्स में ये सब चलता है, तो आप लोग कुछ ऐसा गेट टुगेदर प्लान करिए उस समय जब बच्चे ना हो तब आप ये सब चीज़ों को कंज्यूम करिए, नहीं तो अगर बच्चों के साथ हैं तो नॉर्मल अपना जो कोल्ड ड्रिंक्स जूस और ऐसी सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए एज़ कम्पेयर टू स्मोकिंग एंड एवरीथिंग, जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बच्चों को भी एक मैनर में समझ आएगी कि क्या तरीका है परिवार के साथ रहने का, क्या तरीका है दोस्तों के साथ रहने का और मौज मस्ती क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीखे तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तभी बच्चा भी डिसिप्लिन रहेगा, और अगर आप चाहते हैं कि वो मैनर्स से रहे या फिर आप चाहते हैं कि वो ये सब गलत चीज़ों में ना जाए और वो हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाए प्रॉपरली, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप अपने आप को सही से पोर्ट्रे करें उसके आगे। मेरा फिफ्थ पॉइंट है, डू नॉट लाई इन फ्रंट ऑफ किड्स, बच्चों के आगे झूठ मत बोलिए। झूठ कैसे,
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई आया, हम उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, या फिर हमें किसी का फ़ोन कॉल आया, हम वो फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करना चाहते हैं, तो हम कह देते हैं बोल दीजिए हम तो घर पे ही नहीं हैं। हम बच्चों को ही कह देते हैं बोल तो पापा तो ऑफिस गए हैं। क्यों बोलना ये सब बातें? अगर आपको किससे नहीं बात करना, आप कह दीजिए मैं अभी बात नहीं कर सकता, या फिर अभी बिजी हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। क्योंकि कल को बच्चा भी वही वो झूठ बोलेगा, वो उसे समझ आ जाएगा इस सिचुएशन से निकलना है, तो हम ऐसे झूठ बोलेंगे तो निकल जाएंगे। तो वो बेटर है कि उस साइड में ना ले जाके हम उन्हें प्यार से और सही तरीके से बता दें। अगर किसी का फ़ोन कॉल आया, आप सीरियस सीध से बोल दीजिए मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता या कर सकती, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँगी। इसमें बहुत बार ऐसा होता है, मैं पर्सनल इश्यूज़ में नहीं जा रही हूँ, बट मदर्स जब इन लॉज के फ़ोन्स के साथ डील करती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है। और बच्चे कभी कभी, मैं आपको ये बात बता दूँ, मन के बहुत ही सच्चे होते हैं और वो उन्हीं के सामने कहते हैं मम्मा ने बोला था कि इन लॉज का कोई भी मेंबर है तो नहीं बात करना है, तो इसलिए ये हो गया। तो उस समय वो आपकी भी इमेज बहुत रॉन्ग हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि बच्चों के सामने आप झूठ मत बोलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी ये चीज़ नहीं सीखेंगे। सिक्स पॉइंट ये है, टेक योर किड्स टूवर्ड्स हेल्दी लाइफ स्टाइल। जी हाँ, आजकल के इस बिजी ज़माने में बच्चे कितना समय अपने मोबाइल फ़ोन्स पे बिता देते हैं, कितना समय टीवी के आगे बता देते हैं, तो आप उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाइए, उन्हें वॉक पे लेके जाइए, थोड़ा पार्क पे लेके जाइए। आई नो किसी के पास टाइम नहीं है, बट आप दिन में कम से कम 10-15 मिनट निकालिए, अपना कुछ और नहीं, आप अपने गार्डन में ही वॉक कर लीजिए, सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के नीचे जाके वॉक कर लीजिए, टेरेस पे वॉक कर लीजिए, घर में ही खाना खाने के बाद ख़त्म काम वाम करके आप घर के हॉल में ही कम से कम 10-20 चक्कर मारिए, और बच्चों को कहिए चलिए आप भी चलिए हमारे साथ, ऐसे राउंड काटिए। तो इससे क्या होगा, एक बच्चों को भी आदत लगेगी वॉक की, एक बच्चों को भी आदत लगेगी अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की, जो आजकल की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर चाहते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन सीखे, तो सबसे पहले आप लोग खुद डिसिप्लिन में हम लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बच्चों को। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, बच्चे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, ये सब आपको भी पता होगा, आपने भी देखा होगा, सब कर रहे हैं। तो बहुत कंपलसरी हो जाता है जब हम उनसे डील कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी, बहुत ही विनम्रता और बहुत ही एक सुलझेपन से आपको डील करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे की या तो ज़िंदगी इस पार हो जाएगी या उस पार हो जाएगी। और मैं जानती हूँ कोई भी मदर फादर नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो या वो एक बुरे सेंस में आए, तो उसके लिए क्यों ना हम लोग ही थोड़ा सा सुधर जाएं यार, क्योंकि अगर हम लोग सुधर गए ना तो बच्चा भी अपने आप सुधर जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और मैं अपने हर वीडियो के एंड में कहती हूँ बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। और जब भी आप बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा, उन्हें कभी ऐसे मत करिए आप तो ये कर ही नहीं सकते, आप तो ऐसा करोगे ही नहीं, आप तो कभी कर ही नहीं सकते, मैं लिख के देती हूँ, ऐसा कभी मत करिए, उन्हें डीमोरलाइज मत करिए। हमेशा खुद भी पॉजिटिव रहिए और उन्हें भी पॉजिटिव रखिए, और हमेशा उनके साथ एक खुशी के साथ डील करिए, और फिर देखिए आपका बच्चा कितनी आगे ऑटोमेटिकली चला जाएगा और कितना अच्छा परफॉर्म करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल हुआ है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।